ये लगा तो दी मैंने, लेकिन ये तिरछी रहती है क्या? अच्छा, इसकी शेप ऐसी है टीले जैसी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्लॉग यूके उत्तराखंड। एंड आज हमने अभी नई मिक्सी खरीदी हुई है, और मैंने तो देख लिया था, आई परचेज इट, बट विजय ने नहीं देखा है, तो आज मैं इन्हें दिखाने वाली हूँ। ठीक है, और काफ़ी टाइम से सोच रहे थे लेना है, दिवाली के टाइम पे महंगा था, तो उससे एक दो दिन बाद हमने ख़रीदा है, तो इन बेचारों ने नहीं देखा, तो मैंने दिखाने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि तो अभी मुझे काम भी किचन में, तो मैं फटाफट से इन्हें दिखा दूँ, क्योंकि यह काफ़ी टाइम हो गया ना, तो आपको मैं दिखाया है नहीं। हाँ, नई चीज़ें। चलो ठीक है, अनबॉक्सिंग करते हैं लोगों इसकी। को थोड़ा लेट ही दिखाना चाहिए। अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। हाँ, तो देखो, अच्छा मैं डबके स्टार्ट। तो हमने खरीदी है ये बजाज की मिक्सी, ये है कितने, 750 वाट वाली, और इसकी मिक्सर ग्राइंडर है, और इसमें मैं जूसर नहीं लिया, मैंने सोचा कि जूसर लो तो सेपरेट ही लो, क्योंकि अच्छा रहता है। इसका वाला जूसर वैसे जो साथ में आता है वो मुझे नहीं सही लगता है, ज़्यादा सही से वर्क नहीं करता है, तो आई परचेज इट। और इसकी 750 वाट का है ये, और कितना आया था, कुछ ऐसे लगभग 3000 तक का, मैंने कैंटीन से खरीदा वैसे, ओके, हल्द्वानी सही कैंटीन। पड़ा, हाँ हल्द्वानी से लिया था। और क्या ये क्या मैं है? इसको अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ, टेप तो मैंने पहले ही निकाल दिया था। ठीक है, ये देखो, टैन टन, ये है हमारी मिक्सी। अच्छा, वेरी नाइस। मैंने एक बार कलर चला अच्छा के तो देख लिया, मैंने इसमें गरम मसाला पीसा था, बट विजय को मैं अभी चला के भी दिखाऊंगी कि भाई पैसे खर्च किए तो किस ये पे मैं किया पहली है, बार देख रहा हूँ ये, कि पैसे खर्च किए तो किस पे किया है ना। बढ़िया, कलर तो अच्छा लग रहा है। खैर, हाँ कलर वाइज भी अच्छा लगा मुझे, और बजाज मतलब कंपनी इसमें, तो अच्छी है और वैसे। देख के इसमें ना दम लग रहा था, तो मैंने यही खरीद लिया। और ये इसके जार, इसमें 3 जार है, मुझे तो सही लगी, बहुत अच्छी है। अच्छा, तो इसमें 3 जार है, ये है, इसे कहते हैं ये चटनी जार है, इसमें चटनी वगैरह पीसनी है तो छोटा वाला जार, और ये मीडियम जार है, इसमें जैसे जो पाउडर फॉर्म की कुछ पीसना होता है तो पाउडर फॉर्म इसमें पीसते हैं, और कोई लिक्विडाइजर वाला या कोई लिक्विड वाली चीज़ है तो वो बड़े वाले जार में पीसते हैं। तो ये है हमारे 3 मिक्सियाँ 3 जार। ओके, अच्छा है, बहुत बढ़िया। अब कुछ नहीं है, डब्बा खाली हो गया। अच्छा, तो इसको पीस के भी दिखाओगे, चलती कैसे? आपको क्या लग रहा है, अंदर फ्रूट भी रखे होंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी मैं चला रही हूँ, तो मुझे वैसे भी वो छोले बना रही, तो मुझे प्याज वगैरह पीसना है, टमाटर, तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। चलो देखते हैं कैसे कैसी आवाज़ है इसकी। ऐसी चलती है। अच्छा, तुम्हें आती है? मक्खन चलती है। ओके, ये लगा तो दी मैंने, लेकिन ये तिरछी रहती है क्या? अच्छा, इसकी शेप ऐसी है टीले जैसी। मैन्युफैक्चर, हाँ, MRP प्राइस लिखा, इसका लिखा हुआ है 5700, 5700 रुपये, और हम लाए हैं शायद 3200 और 33 समथिंग लाइक डैट। तो मैंने टमाटर काट लिए है, प्याज काट ली है, अदरक और हरी मिर्च है, तो इसको हम पीस रहे हैं। अब ये गया प्याज, क्योंकि अलग अलग हमें चाहिए इसका जो है पेस्ट। ये गया भैया, चलाए N1 N2 गया। सूखा सूखा हो गया, जगह कम हो रही है, इसमें कम हो गया है, मसाला कम है, मसाला कम है इसका मतलब, मसाला छोटा वाले लगा दिए। मैंने उस वक्त का पूछा था कि बड़ा छोटा, सबसे बड़ा है ये। हाँ, तो इसको तो भी छोटा लाना। हाँ, तो यूज़ तो करके देख ले। तो अब देखते हैं इसके अंदर कैसा हो गया होगा, पैसा नहीं पैसा, सही पिस गया, भाप बन गई, खोलो फिर पिस गया। हुआ, अरे वाह, ये सही है, ये इसी सही में है। करना था। हाँ, बेस्ट यही है, ये अच्छा पिसा अच्छा था? दिख रहा है। हाँ, अच्छा दिख रहा है ये, इसमें अच्छा पिसा। तो हमारी मिक्सी बहुत अच्छा काम कर रही है, और मसाला काफी अच्छा पिसा है। सारे ये छोटा वाला जार ज्यादा अच्छा है, जैसे कम लोगों के लिए बना रहे हो। हाँ, तो सारे जार यूज करके देख लिए। चलो जी, बढ़िया, सारे यूज करके देख। तो हैप्पी शॉपिंग। यस, गुड।